हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आपके पास भी किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो SBI बैंक का हो, एक्सिस बैंक का हो, HDFC बैंक का हो, ठीक है, या फिर दोस्तों किसी भी प्राइवेट बैंक का हो, सरकारी बैंक का हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़र हो दोस्तों, तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्रेडिट कार्ड यूज़र के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। एक नहीं, पूरी चार हैं दोस्तों, ठीक है। RBI की तरफ से दोस्तों कुछ चार नए रूल जो है लागू किए गए हैं। अगर दोस्तों आप जो है एक क्रेडिट कार्ड यूज़र हो, तो वो चार रूल आपको पता होने बहुत ही ज़रूरी हैं। ये चारों रूल दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, कौन से वो चार ऐसे रूल हैं जिनको आप यूज़ करके क्रेडिट कार्ड का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं? एंड डेडिकेटली दोस्तों जो है RBI ने क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए दोस्तों उन रूल्स को लागू किया गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो चार रूल कौन से हैं, जिनको अगर आप यहाँ पर समझ लेते हैं तो आपको वहाँ पर कितना फ़ायदा मिलने वाला है। बस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। अब गाइस, यहाँ पर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आप उसको यूज़ करते हो, आपका उसका बिल जनरेट होता है, एंड उस बिल के ऊपर आपको एक स्टेटमेंट मिलती है जिसकी एक ड्यू डेट डिसाइड की जाती है। एंड कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो दोस्तों, जब आपका स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है दोस्तों, स्टेटमेंट के बाद दोस्तों आपको लगभग 20 डेज का जो है यहाँ पे टाइम दिया जाता है। 20 डेज तक आपको जो है अपना ड्यू पेमेंट जो है वो क्लियर करना पड़ता है, जितना भी आउटस्टैंडिंग आपको वो क्लियर करना पड़ता है स्टेटमेंट के हिसाब से दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर आप वहाँ पर एक दिन भी मतलब कि मिस कर देते थे, तो आपको वहाँ पर फाइनेंस चार्जेस लगाए जाते थे पर डे के हिसाब से दोस्तों। बट अब RBI के इस नए रूल के दौरान दोस्तों, जो कि सबसे बेस्ट रूल है यहाँ पर, अगर आपने इन केस आपका ड्यू डेट निकल जाता है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का, किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट निकल जाता है, तो आपको 3 दिन का जो यहाँ पर ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके स्टेटमेंट का जो डेट था, या लाइक आज 29 मई हो गया, तो आज सपोज करो आपका ड्यू डेट था और आपने फिलअप नहीं किया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं फिलअप किया, 30 डेट हो चुकी है, एंड आपको याद है कि आज मुझे पेमेंट करना था, तो आप उस दिन को अगर पेमेंट करोगे तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। यानी कि जो बैंक है आपको कोई भी फाइनेंस चार्जेस नहीं लगाएगा फॉर 3 डेज दोस्तों, क्योंकि 3 दिन का यहाँ पर जो ग्रेस पीरियड आपको दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो दोस्तों। तो सबसे पहला एंड सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल जो रूल है वो यही है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी स्टेटमेंट की डेट को भूल जाते हैं, या फिर ड्यू डेट वगैरह भी भूल जाते हैं, समटाइम ऐसा हो जाता है कि आपके वो याद नहीं रहती है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। सेम चीज़ दोस्तों मेरे साथ हुई थी यहाँ पर, एक्सिस बैंक का मैं यहाँ पर ड्यू डेट भूल गया था, एंड सिर्फ अमाउंट कितना था, थोड़ा सा अमाउंट था, बट मुझे वहाँ पर फाइनेंस चार्जेस एंड GST वगैरह लगा के कुल मिला के कम से कम 2800 चार्जेस मेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो इन चीज़ से बचने के लिए दोस्तों यहाँ पर RBI ने इन रूल्स को लागू किया दोस्तों, ताकि किसी भी कस्टमर के ऊपर जो है ऐसे भारी भरकम जो है चार्जेस वगैरह ना लगाया जाए। दूसरा रूल दोस्तों आपको पता होगा, कुछ दिन पहले दोस्तों यहाँ पर जब मार्च के स्टार्टिंग में आपको जो है एक रूल देखने को मिला होगा RBI की तरफ से, मतलब एक प्रोसीजर निकला था जिसमें बताया गया था कि दोस्तों अब आप जो है किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का जो नेटवर्क है, वीज़ा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस दोस्तों, रुपे वेरिएंट, आप ये अपनी मर्जी से दोस्तों जो है डिफाइन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अब जो नया यूजर है दोस्तों, उसको तो चांस मिलता ही मिलता है कि आपको जो है मतलब कि पूरा अथॉरिटी है कि आप अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड को किसी भी वेरिएंट के अंदर ले सकते हैं जिसमें आप चाहो दोस्तों। एंड जो एग्जिस्टिंग यूजर है दोस्तों, उनके लिए रूल ये बनाया गया था, जब आपका इस कार्ड का या फिर इस कार्ड का रिन्यूअल होता है साल के बाद, ठीक है, उसके बाद आप जो है अपने मास्टर को, वीज़ा को जो है रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर रुपए को मास्टर एंड वीज़ा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, जैसा आप चाहो दोस्तों। तीसरा रूल है दोस्तों कि आप अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को बंद करना चाहते हैं, एंड आपने कस्टमर केयर को कॉल करी है, बट कस्टमर केयर जो है आपके कार्ड को क्लोज नहीं कर रहा है, तो RBI की तरफ से एक रूल जारी किया गया जिसके अंदर जो है बैंक को जो है आपके क्रेडिट कार्ड को दोस्तों 7 डेज के अंदर अंदर बंद करना ही होगा। अगर वो इससे ज़्यादा का टाइम ले लेता है आपकी रिक्वेस्ट देने के बाद, तो उसको भारी जो है चार्जेस देना पड़ेगा, यानी कि वो आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, वो बैंक को चार्जेस देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चौथा एंड आखिरी जो रूल है दोस्तों, वो है HDFC बैंक की तरफ से। HDFC बैंक ने अभी हाल ही में दोस्तों, मैंने वीडियो भी बनाई है डेडिकेटली, HDFC ने दोस्तों अभी हाल ही में जो अपने वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करे हैं, जो कि कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज हैं दोस्तों। यानी कि अगर आप उन कार्ड को लेते हैं, अप्लाई करते हैं, वो कार्ड आपको मिल जाता है वर्चुअल फॉर्म के अंदर, तो उस क्रेडिट कार्ड को दोस्तों आप जो है अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, उसका बिल स्टेटमेंट अपनी मर्जी से आप बनवा सकते हैं, उसकी लिमिट वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। एंड आप उसकी जो EMI बनाएंगे, EMI की डेट वगैरह आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेटल कर सकते हैं। ऑफ़र वगैरह जो आपको कैशबैक वगैरह मिलता है जिस ब्रांड्स के ऊपर, वो ब्रांड्स आप यहाँ पे चुन सकते हैं दोस्तों, यानी कि अपने हिसाब से उन क्रेडिट कार्ड को आप जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि है पिक्सेल प्ले क्रेडिट कार्ड। 500 रुपये प्लस GST के साथ आपको ये कार्ड मिलेगा वर्चुअल फॉर्म के अंदर, बट इस
इस कार्ड के बेनिफिट आपको एक अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थे RBI की तरफ से चार ऐसे नए रूल जो कि आप सब क्रेडिट कार्ड यूजर को पता होने बहुत ही जरूरी हैं। एंड सबसे पहला जो मैंने अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया, तो ये तो सभी के लिए दोस्तों एक वरदान है, क्योंकि सभी जो है अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को करना कई बार भूल जाते हैं। एंड बहुत से यूज़र ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं भाई, भूल भी जाते हैं, तो उन यूज़र के लिए दोस्तों ये जो ऑप्शन है सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से लगा दोस्तों। खासकर दोस्तों मेरे साथ भी काफ़ी बार हो चुका है, तो मेरे लिए ये जो ऑप्शन है सबसे बेस्ट मेरे को लगा कि अगर ऐसा 3 दिन का हमें ग्रेस पीरियड मिल रहा है तो सबसे बेस्ट हो जाता है हमारे लिए दोस्तों। ये एक ऐसा नियम दोस्तों जो कि लागू किया गया RBI की तरफ से। तो ये चार नियम दोस्तों आप लोगों को कैसे लगे, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।